लाहौर लाहौर है। कौन सा लीडर है जो मुल्क की तकदीर बदल सकता है? आई थिंक इमरान खान। मरियम इतनी खूबसूरत है यार। नहीं, हमको खूबसूरती से कुछ नहीं लेना। मरियम को आई लव नहीं। चलो बिलावल को बोल दो। बिलावल आई लव यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये गिलगित बल्तिस्तान की कैप पहनी हुई है या कोई और है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने अफगानिस्तान के हिसाब से पहनी हुई है। अच्छा अफगानी है आप? जी। तो लाहौर में लाहौरियों का पंजाब कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। और तकरीबन ये मैंने सुना था कि ये तकरीबन हर साल जश्न बहारान जो है वो एक इनेकाद होता है इस चीज़ का, और इसको देखा है आज मैंने और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है आज। यानी ये कहने पे मजबूर है कि लाहौर लाहौर है। हाँ जी लाहौर लाहौर है। अच्छा हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकली सियासी तौर पे कौन सा लीडर है जो मुल्क की तकदीर बदल सकता है? आई थिंक इमरान खान। इमरान खान? इमरान खान। मरियम इतनी खूबसूरत है यार। नहीं हमको खूबसूरती से कुछ नहीं लेना ना। अच्छा आप जो कहोगे, यहाँ से कितने स्टॉल लगे हुए हैं जी, जो कहेंगे वो खिलाऊंगा। मरियम को आई लव यू बोल। नहीं नहीं यार मुनासिब नहीं है। चलो बिलावल को बोल दो, वो तो मुनासिब है। बिलावल आई लव यू। यानी आप खान के दीवाने नहीं है, इससे ये साबित हुआ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम खान को सपोर्ट करते हैं जी। तो अगर खान को सपोर्ट करने वाला होता तो फिर कभी भी ये ना करता, बिलावल के लिए ना जाता। नहीं ऐसी बात नहीं है, अपने अपने जो है वो पसंदीदा चीज़ की बात है कि अगर आपका फेवरेट इमरान खान है तो इमरान खान भी मतलब लोग समझते हैं, लोग समझ रहे हैं कि वो अच्छा नहीं कर रहा ठीक है, लेकिन लोगों को जो है वो डीपली पता नहीं है ठीक है। अगर उनको डीपली ये मालूम हो कि खान साहब जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं तो फिर ये जो है वो ऐसा ना करें। अफगानियों को लाहौर में खड़े होकर क्या मैसेज देना चाहोगे सामने देख के? कि आप जो है वो लाहौर का विजिट करें, माशाल्लाह लाहौर बहुत अच्छा है, आप आएंगे तो आपको वाकई लगेगा अपना मुल्क। लाहौर की यानी कि पाकिस्तान की पंजाब की और अफगानिस्तान की सकाफत में कितनी मुमासलत है, मिलती जुलती कितनी है? ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम ही है। तो फिर ये डीरोन लाइन है तो मुसलमान ये क्यों दो मुल्क क्यों बनाए? मुसलमान तो हमने इसीलिए थे ना लैदा हुए कि एक ही होना चाहिए, क्यों ये बीच में लाइनें क्यों हैं? बस यार ये क्या कह सकते हैं आप, देखो हिंदू भी है, हिंदू मज़हब भी है, अपना अपना मज़हब है, बस कंट्री जो है लैदा लैदा है ठीक है। उन्होंने अपनी कंट्री लैदा बनाई, उन्होंने अपनी कंट्री लैदा है, आप खुद देखें। तो क्या कहना चाहोगे कि जिन्होंने ये हमारे अंदर तफरीक डाली हुई है, जारी बात मैंने बोला ना मुसलमान, मुसलमानों ने एक अलहदा मुल्क बनाया था, तो क्या कहना चाहोगे? यार बस ये लोगों को अपना अपना है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों की अपनी राय, और किसी की अपनी राय है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है ठीक है, किसी को कुछ बोल नहीं सकते हम। खान साहब मुझे ये बताएं कि इस मुल्क की तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर, अगर सपोर्ट करें तो। लोग कौन सपोर्ट करें? हाँ जी लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी आवाम क्या लग रहा है? बाकी किसी को कुछ बोल नहीं सकते, अपना अपना जो है वो सपोर्टर है, जिसको मतलब जो चाहे आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें। चले बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, शुक्रिया।